स्वागत है आपका रॉबर्ट लैब्राडोर रिट्रीवर चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभय। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों माफी मांगता हूँ आप सबसे, वीडियो पूरी एक महीना बाद आ रही है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे काम था, मतलब कॉलेज वगैरह का काम बहुत सारा। देखिए मैं इसके पहले भी बोला था आपसे कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है दोस्तों। लेकिन अब पूरा ट्राई करूंगा कि वीडियो कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों आप सभी से माफी मांगता हूँ जिन्होंने वीडियो के लिए वेट किया, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है हेयर फॉल। जो टॉप के अंदर हेयर फॉल होता है वो कैसे होता है, उसका सिम्टम्स बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा, और वो क्यों होता है वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज है हमारा सिम्टम्स। तो आपको डॉग की हेयर फॉल्स का सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा कि जैसे आपके डॉग का जो फर होता है ना, उसके फर पे और जैसे कुछ डैंड्रफ हो जाता है या कुछ वाइट वाइट तरह का चीज लगा रहेगा कि जब आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो वो जो चीज होता है वो होता है डैंड्रफ। तो वो जो होता है वो आपके स्किन के जो डेड सेल होते हैं, डॉग के स्किन के डेड सेल वो होते हैं। तो उसके वजह से अगर आप उसको रेगुलर कूम नहीं कर रहे तो वो क्या होता है कि वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि डॉग के जो हेयर फॉल होते हैं वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड जो है स्किन एलर्जीज। तो आप जैसे सोचिए स्किन में कुछ भी एक एलर्जी हो गया है, जैसे रैशेस टाइप का, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। ऐसे बहुत सारे डॉग हैं आप भी देखे होंगे जिसके हेयर फॉल होते रहता है, दिन भर घर गंदा करके रखते हैं हम लोग, मतलब एकदम यहाँ वहाँ उनका हेयर गिरा रहेगा। तो ये जो होता है ना, ये हेयर फॉल सबसे जो स्किन एलर्जी वाला हेयर फॉल होता है, इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और रहा बात जो पहले मैंने बताया डैंड्रफ, तो डैंड्रफ तो ऐसे भी क्योर हो जाएगा क्योंकि उसमें वो आप शैम्पू अगर 3-4 दिन गैप में अगर उसको लगाते हैं तो वो क्योर होगा। बट स्किन एलर्जीज को जो आपको क्योर करना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में जाके बहुत आपके डॉग के लिए प्रॉब्लम दे सकती है। तो अब बताने वाला हूँ इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है ऐसा ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस 3 या 4 सप्लीमेंट्स का नाम बोलूंगा। अगर आपके डॉग को कंटिन्यूसली हेयर फॉल हो रहे हैं तो आपको देना है। जैसे मैंने आपको पहला, मतलब इसके पहले जो मैंने एक फूड के बारे में बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक सप्लीमेंट का नाम बोला था, विटा बेस्ड डम, जो वर्बैक की तरफ से आता है कंपनी से। वो आप अगर देंगे तो वो मल्टी विटामिन से बहुत अच्छा उसका, मतलब ये रिजल्ट है। मैं दे रहा हूँ, मैंने अभी 1 फाइल कंप्लीट कर दिया है उसको, मैंने रॉबर्ट को ये करके, तो मैंने देखा है कि उसमें जो मतलब इतना अच्छा वो, मतलब मुझे लगा है उसमें क्या होता है कि आपका डॉग का जो हेयर है, जो भी कलर का हेयर है, वो कलर एकदम शाइन होगा। उसके बाद आपका ना हेयर फॉल का दिक्कत आएगी इन फ्यूचर, और अगर हेयर फॉल हो भी रहा है तो वो बहुत रिड्यूस कर देगा उसको, और ऊपर से जो होता है आपके स्किन को जो कोट होता है उनका, वो बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट तो विटामिन डम हो गया, सेकेंड जो आता है वो आता है वेल कोट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सब फोटो, वेल कोट जो होता है मल्टी विटामिन, सेम होता है ये, वर्बैक से थोड़ा अलग है कंपनी। और ये जो वेल कोट है ये भी बहुत अच्छा अपने लिए रिजल्ट है, मेरे कुछ दोस्त भी इसको यूज करते हैं। थर्ड जो बताने वाला हूँ वो होता है सैम्फोर पाउडर। वो आपको अगर वो आप उसको डॉग फूड के साथ देते हैं तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। थर्ड जो मतलब फोर्थ जो बताने वाला हूँ वो होता है न्यूट्रीकोट लिक्विड। ये भी जो है ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें मिलता है, जो कि हेयर के लिए बहुत अच्छा चीज है। एंड आपको बहुत ही अच्छा इसमें जो भी सब्सटेंस रहता है जिसमें, वो बहुत अच्छा मिलता है, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। ये सब जितना भी प्रोडक्ट मैंने बताया, क्योंकि ये मेरे वेट ने मेरे को पहले बोला था ये सब यूज करने, बट उसने तो मैंने आपकी चॉइस है, जैसे मैंने चार का नाम बताया है तो उसमें से आप कोई भी यूज करके देख सकते हैं आपके पपी को या डॉग को सूट कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरा ले सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको, जो कि आप समझते नहीं है और आप गलती करते हैं। आपका वेट आपको बोलता है आप गलती करते हैं। पहला नंबर कि आपका जो डॉग या पपी है उसको जो हेयर फॉल होते हैं ना, वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा उसको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है ना वो हेयर फॉल के लिए नहीं होता है कभी भी। हेयर फॉल के लिए आपका वो हेयर फॉल जो होता है वो नेचुरल होता है,
वो मतलब वो समय जैसे एक होता है शेडिंग सीजन, ठीक है ना, डॉग की जो बिहेवियर होता है ना उसमें बहुत सारा सीजन होते हैं, जिसमें शेडिंग सीजन जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे जो डेड हेयर है डॉग के बॉडी में वो आपका पहला बार निकलता है, ठीक है, तो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। तो आप समझते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, मैं क्या करूं, तो आप कुछ भी उसको ला के देते हैं, वो साइड इफेक्ट करता है। सेकंड चीज बोलने वाला हूँ कि मौसम जब चेंज होता है, जैसे ठंडा आ जाता है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी रेनी सीजन आ जाता है, तो इसमें भी डॉग का फर यानी हेयर फॉल बहुत झड़ता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नेचुरल है दोस्तों। जैसे देखिए डॉग का जब ठंडा का सीजन में उनका जो फर होता है ना उसका जो थिकनेस होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ठंडे से बचने के लिए। और वैसे जैसे गर्मी आते हैं तो वैसे जो नया नया जो हेयर है वो आते हैं, तो जो पुराना डेड हेयर है, डेड सेल्स है, वो खुद निकलते हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डेली उसको कॉम्ब किया कीजिए अपने डॉग को, तो क्या होगा, जो हेयर फॉल होने का है वो तो वो निकल जाएगा, और बाकी दूसरा हेयर फॉल आपका कभी होगा नहीं आपके डॉग को। उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉग जो होते हैं ना दोस्तों, डॉग का हेयर तो ऐसे भी उनका पूरा फर कोट है, और डॉग जो होता है ना वो डॉग का लाइफ टाइम हेयर फॉल होगा। ये आप कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिए, आप गूगल पे पूछ लीजिए, आप वेट को पूछ लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर हेयर फॉल नहीं होगा तो वो जो डेड जो सेल है या डेड हेयर है वो निकलेगा कैसे और नया कैसे आएगा, है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आप ऐसा कोई भी मेडिसिन यूज मत कीजिए हेयर फॉल के लिए, आपको जो जो मैंने बोला सब नेचुरल है दोस्तों। और जो अगर आपको करना भी है तो मैंने जो प्रोडक्ट आपको बोला है वो कीजिए, वो बेस्ट रिजल्ट है। और सबसे अच्छा वर्बेक का विटामिन डम यूज कीजिए, जो मैं करता हूँ मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है मल्टी विटामिन का। और एक तो मैंने जो बोला वेल कोड वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यही है, और बेस्ट अगर आपके पपी है या वो 6 महीना 7 महीना का है तो उसको आप सैम्फोर पाउडर दे सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो हेयर फॉल के लिए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो, और कोशिश करता हूँ आपसे रेगुलर वीडियो डालने की। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए जितना हो सके, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी नहीं समझ में आता है उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।